नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेशकश करेगा, ताकि वे अपने कोविड 19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सकें। बता दें कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा समेत करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। ये जानकारी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत सॉफ्टवेयर को निःशुल्क साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों पर 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89.36 रुपए प्रति लीटर है। अन्य शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर चढ़ती हुई दिखी जा सकती है। मुंबई में इसकी कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत भी 3 अंकों के करीब पहुंच चुकी है और आज ये 99.80 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। हालांकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में डीजल की कीमत 96.91 रुपए हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में देश भर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। गोवा सरकार ने रविवार को कई ढील देते हुए राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू को एक और हफ्ते यानी 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ढील के तहत अब रेस्तरां और बार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। राज्य सरकार की तरफ से दी गई ढील से रेस्तरां और बार मालिकों के लिए काफी राहत मिली है, क्योंकि कोविड 19 मामलों में बढ़ोतरी की वजह से इन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल खोलने की इजाजत भी होगी। पहले इन्हें दोपहर 3 बजे तक संचालित करने की इजाजत थी। सैलून और अन्य आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज, स्टेडियम्स को भी खोलने की इजाजत दी गई है। शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, कैसीनो, जिम, स्पा और इंडोर खेल परिसर अभी भी बंद रहेंगे। ओडिशा के गंजम में गरीब आदिवासी परिवारों के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि उनमें से कईयों के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है। वहीं बहुत से लोगों को नेटवर्क की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक शिक्षक कन्हूचरण नायक के मुताबिक ज्यादातर आदिवासी परिवारों के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और जिनके पास है वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। जानकारी के मुताबिक नायक ने कहा कि गरीब आदिवासी ग्रामीणों का जीवन और आजीविका दोनों महामारी की वजह से बेहद प्रभावित हुए हैं। बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित किया जा रहा है। महामारी के कारण स्कूल बंद हैं और सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षित करने का फैसला लिया है। हालांकि ये गरीबी मोबाइल फोन की कमी और नेटवर्क की समस्याओं के कारण बुरी तरह से असफल हुई है। औद्योगिक काइटेक्स समूह ने कहा है कि उसने परियोजना से हटने का फैसला लिया है। इस परियोजना को लेकर उसने जनवरी 2020 में कोची में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए थे। कपड़ा क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक काइटेक्स समूह के साथ निवेश को लेकर मची खींचतान के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा कि केरल सबसे ज्यादा निवेशक अनुकूल राज्यों में से एक है और ये स्थायी और नवीन उद्यमों के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले हफ्ते काइटेक्स ग्रुप की ओर से प्रोजेक्ट से पीछे हटने की घोषणा के बाद कई पड़ोसी राज्यों ने कंपनी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया और कई एसओपी भी पेश की। वहीं आरपीजी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने राज्य की प्रशंसा करते हुए ट्वीट कर कहा कि उनकी कंपनी केरल में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और उसे राज्य सरकार से पर्याप्त समर्थन मिला है। सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए गोयनका को धन्यवाद दिया और उन्होंने रिट्वीट करते हुए ये भी कहा कि केरल में व्यापार करने में आसानी पर आशंकाओं को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम एक हैं और इसका आधार है हमारी मातृभूमि।
पूजन विधि के आधार पर हमें अलग नहीं किया जा सकता, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। अब वक्त आ चुका है कि भाषा, प्रांत और अन्य विषमताओं को छोड़कर हम एक हों और भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब दुनिया सुरक्षित रहेगी। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित मेवाड़ कॉलेज में अपने उद्घोषण के दौरान कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राजनीति ने जो अलगाव पैदा किया है उसे हटाना होगा। हम कहते हैं कि गौ माता पूजनीय है, भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन लिंचिंग करने वाले अपराधी हैं, हम उनका समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। ये ऐतिहासिक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का पुस्तक का लोकार्पण मेरे द्वारा है, संघ के किसी अधिकारी के द्वारा, ये शायद पहली बार है। और अटकलें इसकी बहुत लगती है, लग रही है ऐसा पता चला, इसलिए मैं ये ऐतिहासिक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का पुस्तक का लोकार्पण मेरे द्वारा है, संघ के किसी अधिकारी के द्वारा, ये शायद पहली बार है। और अटकलें इसकी बहुत लगती है, लग रही है ऐसा पता चला, इसलिए मैं भाषण के प्रारंभ में ही उन सबको शांत कर देना चाहता हूं। ये कोई इमेज मेक ओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह नहीं थी, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती, हम वही है। और हमको अपने इमेज के, क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं, तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वाला। सीनियर कांग्रेसी नेता राशिद अलवी ने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसी भी मुद्दे को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी बयान दिया, सुनिए क्या कुछ राशिद अलवी ने कहा। और अब ये चुनाव चुनाव नहीं था, ये तो प्रशासन का एक खेल था, एक साजिश थी। मेरे पास इत्तलाएं हैं, अपोजिशन के मेंबर्स को उठा लिया गया, पुलिस काम कर रही थी, डीएमएसपी काम कर रहे थे, ये कोई चुनाव नहीं है और इस चुनाव का कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये चुनाव उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि जनता को इस चुनाव की असली हैसियत मालूम है, असली चेहरा मालूम है कि चुनाव किस तरह हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, 5 सालों में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हिंदुस्तान के अंदर क्राइम के मामले में यूपी नंबर 1 है, महिलाओं के साथ जुल्म में नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ नंबर 1 है, एनकाउंटर्स 141 हो चुके हैं। इस स्थिति में राम मंदिर की जमीन में घोटाला है, कोई एक काम ऐसा नहीं है जिसको लेके वो चुनाव लड़ सके, इसलिए उन्हें ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस बार ब्राह्मण वोटरों को अपने कब्जे में लेने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में यूपी कांग्रेस ने राज्य के तमाम वर्गों को
साथ लेकर चलने का दावा करने वाली बीजेपी पर हमला बोला है। यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी ब्राह्मण वोटों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह इस चुनाव में भी जाति और धर्म की राजनीति न करते हुए तमाम वर्ग और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगी। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 2022 का चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी के रूप में, विपक्षी दल के रूप में सड़कों पर आंदोलन कर रही है, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवान, गांव, गरीब, किसान में उत्साह है, जोश है, हमें पूरा भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी जनता के भरोसे और विश्वास के साथ खरा उतरेगी और सरकार बनाएगी। निश्चित तौर से यह एक परंपरा है, एक व्यवस्था है कि किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी टीम और उसकी बैठकें तय करती हैं कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के देखरेख में होगा, चूंकि हमारी वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं। जिस तरह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोविड काल के दौरान एक एक विषय और मुद्दों को कौन जिम्मेदार है, ऐसे सीरीज चलाकर उसको उठाने का काम किया, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता एक आशा भरी निगाहों से देख रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। हमें भरोसा और विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। राज है, जंगल राज है, डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष तो कहीं चुनाव लड़े नहीं, और जिस तरह की अराजकता देखने को मिली, लोकतंत्र अपने आप में शर्मसार हुआ है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जब जनता का सवाल आया तो उस समय और आज दोनों में बड़ा अंतर है, पैसे, सत्ता, गुंडागर्दी। और यूपी के मेरठ में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सड़क किनारे खोखे में भीषण आग लग गई। वहीं इस हादसे के वक्त सड़क से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। घटना मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के घर रोड की है, जहां पेट्रोल पंप के पास अचानक एक खोखे में आग लग गई। इस खोखे में चाय की दुकान चलती थी और रोजाना का सामान बेचा जाता था, लेकिन आज लॉकडाउन के चलते दुकान बंद थी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आधा दर्जन दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि वहां मौजूद लाखों का माल जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि इस मामले में अधिकारी आग लगने के कारणों के बीच जांच कर रहे हैं। भाग्यश्री हॉस्पिटल के पास ऐसे ऐसे खोखे हैं और उनमें आग लगी हुई है। मैं और तीन फायर सर्विस की गाड़ी तुरंत उक्त घटनास्थल पर पहुंची। मैं भी पहुंचा और पहुंचकर देखा कि तीन चार खोखे जल रहे हैं, जिनके ताले बंद थे, पूरे खोखे लाल हो रहे थे। फायर सर्विस यूनिट के जवानों ने बोल्ट कटर की मदद से ताला काट कर गेट दरवाजे खोल कर। मध्य प्रदेश में भी अब विदेशी आम की फसलों की खेती होने लगी है। एक ओर जहां जबलपुर में दुनिया के सबसे महंगे आम उगाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धार जिले में अफगानिस्तान का अमरापुरी और मैक्सिको का पटमल आम उत्पादन किया जा रहा है। धार के राजपुरा गांव के दो सगे भाइयों ने अफगानिस्तान का अमरापुरी और मैक्सिको का पटमल आम का प्रोडक्शन किया है। मांगोद मनावर मार्ग स्थित 35 बीघा के खेत में दोनों भाइयों ने 10 साल पहले देश और विदेश के 50 वैरायटी वाले आम का उत्पादन किया। किसानों के मुताबिक 2000 से ज्यादा वृक्ष पर आम का उत्पादन हो रहा है। इन वैरायटी में सबसे खास अफगानिस्तान का अमरापुरी और मैक्सिको का पटमल आम है। अमरापुरी किस्म वाले एक आम का वजन 2 किलो है, जिसकी कीमत 2000 रुपए किलो है। वहीं मैक्सिको का पटमल का एक आम 250 ग्राम का है, जिसकी कीमत 600 रुपए किलो है। राजधानी दिल्ली के चिल्ला गांव के निवासियों को इलाके में पानी की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोग टैंकर से पानी भरने के लिए, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में कई इलाकों में पानी की कमी देखी जा रही है, जिससे निवासियों को पूरी तरह से बोरवेल या टैंकर के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड चिल्ला गांव के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी के टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है। यहां टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी की कमी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहां पानी की किल्लत लगातार बनी रहती है। हाल के दिनों में दिल्ली के कई हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के चिल्ला गांव में हर 4 दिनों में केवल एक बार पानी भरने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से पीने का पानी लेने के लिए काफी संख्या में लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के प्रभारी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के जनपद बरेली आगमन पर उन्होंने सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 30 करोड़ वृक्ष लगाने का जो बीड़ा उठाया है, उसको कामयाब बनाने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर 3,000 पेड़ लगाने के प्रदेश सरकार के आदेश के चलते उन्होंने सबसे पहले लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश देने के साथ साथ पौधे लगाए। जी ने किया और 30 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश में लगे। हर पंचायतों को भी लक्ष्य अलग अलग दिया है। यहाँ भी लगभग 2,400-2,500 का लक्ष्य है। कई जिलों में हमने 3,000 का लक्ष्य दिया है। और मैं तो आप लोगों से भी अपील करूँगा कि हम अपने घर के आगे भी वृक्ष लगाएं। वृक्ष है तो जीवन है। प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ कि प्रकृति कहीं ना कहीं नाराज भी है। तो जल को बचाना है, नदियों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, एक शुद्ध वातावरण अपने को बनाना है। कम से कम प्रदूषण हो उस पर भी हमको काम करना है। नज़दीक जाना है तो पैदल जाएं या फिर साइकिल का उपयोग करें। तो ये एक बड़ा अभियान चल रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कारण है, कौन से काम के लिए किया गया है, उसमें NGT बहुत सख्त है। उनकी परमिशन से ही सब ये आगे के कार्य होते हैं, लेकिन उसके एवज में भी वृक्ष लगाने होते हैं। तो प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हुआ है तो बड़ी संख्या में वृक्ष भी लगाए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष में भाजपा की भारी जीत हुई, कैसे क्या देखते हैं आने वाले दिनों के लिए विधानसभा चुनाव के? देखिए, जनता का समर्थन है और आने वाले समय में अपने काम के दम पर हम लोग 2022 में प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः अपनी सरकार बनाएंगे। और जो गति हमारी सरकार ने दी है, उस गति को और तेज गति से विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। LJP के सांसद चिराग पासवान अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामलाल पासवान की जयंती पर आज बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। चिराग के नेतृत्व वाले खेमा ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी समूह से जारी लड़ाई के बीच सड़क पर उतरे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आज सोमवार को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम का सुबह 11 बजे RJD सुप्रीमो लालू यादव वर्चुअल तरीके से ही उद्घाटन करेंगे। इसके पहले रामलाल पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा और सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर RJD ने जोर शोर से तैयारी की थी। हमारे पार्टी के संस्थापक और हम लोगों के धड़कन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है, उस अवसर पर हम लोग 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में। और शेखपुरा जिला आप देख रहे हैं क्या जोश है शेखपुरा जिला के अंदर। मैं चाहता हूँ शेखपुरा जिला नंबर 1 हो और इतनी भीड़ हम लोग जमा कर दें पटना एयरपोर्ट पर कि शेखपुरा का जय जयकार हो और चिराग पासवान साहब का हम लोग हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से हम लोग पटना की तरफ। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया था। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसका ऐलान कर दिया है। SKM ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई से मानसून सत्र की समाप्ति तक हर रोज संसद के बाहर 200 किसान प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करेंगे। इसमें हर किसान संगठन की तरफ से 5 सदस्य शामिल होंगे। SKM ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 17 जुलाई से तमाम विपक्षी दलों को एक चेतावनी पत्र भी भेजा जाएगा। आगामी संसद सत्र में विपक्षी दलों को किसान आंदोलन की कामयाबी के लिए काम करने की चेतावनी जारी की जाएगी। SKM ने कहा कि हमने सरकार को पहले से बता दिया है कि किसान नए कानून निरस्त करने से कम पर राजी नहीं है। ये फैसला सिंधु बॉर्डर पर SKM की बैठक में लिया गया। पंजाब के कृषि संगठनों की ओर से ये भी घोषणा की गई कि राज्य में बिजली की आपूर्ति की स्थिति में थोड़ा सुधार पहले के मुकाबले हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोती महल के घेराव के पहले घोषित कार्यक्रम को अभी स्थगित किया जाता है।
एसकेएम की पिछली बैठक में ये भी तय हो गया था कि डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने सख्ती दिखाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिला महासचिवों से उम्मीदवार की हार का कारण बताते हुए 7 जुलाई तक रिपोर्ट दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिवों से कहा गया है कि अखिलेश यादव के आदेश पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में क्या कारण रहे कि उम्मीदवारों की हार हुई, इस पर 7 जुलाई तक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदेश कार्यालय में जमा करवाई जाए। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिवों से कहा गया है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में क्या कारण रहे उम्मीदवारों की हार के, इस पर रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। यूपी के संभल जिले में शराब से जुड़े कारोबारी प्रिंट मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्य पर ग्राहकों को शराब बेच रहे हैं। इस तरह का मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए शराब कारोबारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। बता दें कि यूपी के जनपद संभल में ग्राहकों को प्रिंट मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्य पर शराब बेची जा रही है। शराब ठेकेदारों की मनमानी से ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राहक विरोध नहीं करते हो, लेकिन शराब कारोबार से जुड़े कारोबारियों के आगे उनकी एक नहीं चलती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।